जय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो कि आप लोग सभी लोग अच्छे गाइस। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइस। तो गाइस इसकी जो रीज़न थी, वीडियोज़ नहीं आ रही थी क्योंकि यार पर्सनल इशू की वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, बट कोई बात नहीं, अब वीडियोज़ आएंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम करने वाले हैं, आज हम अपने स्कूल लेके चलेंगे आपको केंद्रीय विद्यालय के पास। काफ़ी लोग देखे होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी देखेंगे, तो चलिए आज वहाँ पर कुछ काम है। मेरे पीछे नीतीश बैठा हुआ है, अपना स्कूल दिखाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में पूरे बने रहिए और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं बिना देर करते हुए। सो फिलहाल गाइस अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और गाइस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैफिक मिलती है ये सड़क पे, आप लोग देख सकते हैं आगे। और गाइस यहाँ पे जो है सामने महाराणा प्रताप चौक है, उसके बाद हम लोग हाईवे पकड़ेंगे और सीधे स्कूल की ओर चलेंगे। इस ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर पड़ता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, जो कि बबंडी में स्थित है। तो बने रहिए पूरा फुल ब्लॉग में, सारा कुछ आपको डिटेल देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में गाइस, तब तक आप लोग इस हाईवे का नज़ारा का मज़ा लीजिए। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे इंडियाज का सबसे मोस्ट पॉपुलर रोड पे। आप देख सकते हैं सामने कैसा ये पूरा रोड जो है गिट्टी से भरा हुआ है और काफ़ी खतरा वाला रास्ता है ये, क्योंकि जहाँ पे टायर स्लिप करेगा वहाँ पे तुरंत गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आए थे हमारा औरंगाबाद में, वो लगता है कि ये रास्ता उनको नहीं पता था, तभी ऐसा हाल है इस रास्ते का। बट अगर ये वीडियो उनके तक पहुंचता है तो मैं तो यार एक ही मांग करूंगा, जल्द से जल्द इस रास्ते को बनवाया जाए ताकि स्कूल पहुंचने में काफ़ी मदद हो और टाइम से सही से पहुंचे स्कूल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का क्या राय है। फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ केवी औरंगाबाद के पास और गाइस काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार अपने स्कूल आना काफ़ी दिनों के बाद अच्छा ही लगता है। और क्योंकि हम लोग पास आउट हो चुके हैं ये स्कूल से, तो ये स्कूल अभी देख के फिलहाल काफ़ी कुछ याद आ रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं सारा चीज़ यहाँ पे, कैसा स्कूल है, क्या ग्राउंड है यहाँ पे। हम दिन भर मस्ती किया करते थे ग्राउंड में यार, तो काफ़ी मज़ा आता था। वो दिन क्या दिन थे यार, वो दिन कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे दोस्त एक साथ होते थे और काफ़ी मस्ती करते थे हम लोग। फिलहाल अभी तो सारे 10 पास आउट हो गए हैं, तो जो भी वीडियो को देख रहे हो यार एक कमेंट कर देना अपने स्कूल के बारे में यार, कैसा फील हो रहा है, काफ़ी दिनों के बाद आपको ये स्कूल देखने को मिल रहा है, क्या आप स्कूल को मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो चलिए आगे, नेक्स्ट बने रहिए ब्लॉग में, आगे सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। फाइनली हमारा स्कूल ये रहा केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद, जो कि क्लास 1 से लेकर 10 तक है और हमने 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई की थी इस स्कूल में। और ये जो है पूरा लोकेशन भी अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ये गाँव में स्थित स्कूल काफ़ी अच्छे लोकेशन पर है। ये हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड, आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेग्राउंड है और हम लोग दिन भर बाहर ही खेलते थे, काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी मज़ा आता था इस ग्राउंड पर खेलने में। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए अपने स्कूल टाइम में आपने खूब मस्ती किया है नहीं, ज़रूर से बताएँ। गाइस फाइनली हम लोग पूरा स्कूल घूम लिए हैं और आपको दिखा दिया सारा चीज़,
तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये हमारा स्कूल देख के। काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर अभी हैं जो हमारे जो कि केवी औरंगाबाद में पढ़ के पास आउट हुए हैं। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना यार अपने स्कूल के बारे में कुछ अच्छा सा। काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है स्कूल, आपको कैसा फील हो रहा है? इसे पास आउट हुए हैं वो तो ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं ऐसी वीडियोज लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।